खेला हम लोग खेला करने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एनडीए में खेला होगा, खेला होगा नहीं, खेला हो रहा है, कुछ ही दिनों में धरातल पर भी दिखाई देगा, क्योंकि एनडीए के दो बड़े कुनबे मांझी जी और मुकेश सहनी जी, जिनके बदौलत यह सरकार टिकी है, वह किस दिन धराशायी हो जाएगा कि हम लोगों में से किसी को नहीं पता, लेकिन होगा ये सबको पता है, क्योंकि मांझी जी ने कोऑर्डिनेशन का कंडीशन रखा है। आज जब जब जिस गठबंधन में रहते हैं कोऑर्डिनेशन का कंडीशन रखते हैं, वह गठबंधन छोड़ के जाते हैं। राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला, उन्होंने सीएम को पलटू नेता करार दिया है। क्या कुछ कह रहे बंटू सिंह, आप भी सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में चाहता है उसके इतना वाला पूरे हिंदुस्तान में न कभी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है और न होगा। अब बताते हैं कैसे चाटा। पहले लालू जी के बारे में बोलता थे नीतीश कुमार, तो 2015 में मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े भैया करके गोर पड़े। उसके बाद फिर मोदी जी बोले कि इनका खून में दोष है, तो पूरे बिहार को लपेटने लगे नीतीश कुमार जी। भाजपा में मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, फिर चाटे, है ना। तो नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे जो। और पटना में जाप नेता राजू दानवीर ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा तो सरकार की आंखें खुली। मौत के आंकड़ों में 24 घंटे में करीब 4000 का बदलाव कैसे आया? या तो सरकार जानबूझकर झूठ बोलती है, या तो स्वास्थ्य विभाग आंकड़े छुपाने में लगा है। कोरोना पॉजिटिव से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उसमें भी भारी घपला है, उसमें भी भारी घोटाला है। एक दिन 5458 की आंकड़ा को बताते हैं, ठीक 24 घंटा बाद बिहार में वही आंकड़ा 7300 हो जाता है। शनिवार को जहानाबाद में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने चमकी बुखार के रोकथाम और नियंत्रण के आलोक में सदर अस्पताल अवस्थित पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी PICU वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा आपातकालीन कक्ष का भी मुआयना किया गया है और डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो बता दें आपको कि जहानाबाद के DM नवीन कुमार ने आज PICU का वार्ड का निरीक्षण किया है, साथ ही साथ डॉक्टरों को भी इस दौरान जिलाधिकारी ने कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप, जहानाबाद के DM नवीन कुमार ने आज PICU वार्ड का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज हमारे द्वारा PICU वार्ड का निरीक्षण किया गया। PICU वार्ड पूरी तरह तैयार है और कहीं भी यदि कोई किसी तरह का कोई बच्चों का कोई प्रॉब्लम होता है, किसी तरह की कोई सूचना मिलती है, तो एम्बुलेंस से अविलंब उनको DHC या यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे लाएंगे, उनको तुरंत रश कराएंगे। इसके अलावा RJD के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और JDU पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कर रही है। ये वही पार्टी है जो पिछली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दी थी और अब विशेष राज्य का दर्जा के नाम पर BJP से धमकाकर मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और तमाम बिहार के जनता पर इनका कोई ख्याल नहीं है। जनता दल यू के नेतागण परेशान है, व्याकुल है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। मेरी शुभकामना है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, लेकिन उनकी व्याकुलता रही है पहले और इस बात का बराबर सवाल उठाते रहे हैं, जिस सवाल पर तमाम विपक्षी दल तमाम दल ने एकजुट होकर सरकार को अपना समर्थन दिया था इस सवाल को लेकर के, और माननीय मुख्यमंत्री भी कहते थे कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के बिना हम बिहार का विकास करने में एक गति नहीं ला सकते हैं, लेकिन आज बिहार का विशेष राज्य के दर्जा की बात वो करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं और ये बात कर करके जनता को लोगों का समर्थन। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका जीटीवी भारत में। बढ़ते खबरों में आगे। बिहार सरकार भले ही सुशासन का दावा करती हो लेकिन बिहार में अफसरशाही अभी भी खत्म नहीं हुई। ऐसा ही एक ताजा मामला बेगूसराय से सामने आ रहा है जहां नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर ओपी के एक पुलिस अधिकारी पर शराब माफियाओं से कमीशनखोरी की जा रही है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि सूबे में शासन को सुशासन को ठेंगा कैसे दिखाया जाता है। लखीसराय में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से लूटी गई 4 मोटरसाइकिल, 4 चक्का वाहन सहित चोरी की गई आभूषण के साथ 16 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वही इसकी जानकारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पटना में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार बिहार में सक्रिय हैं और यही वजह है कि आए दिन बिहार में शराब तस्कर सहित शराब को भी जब्त किया जा रहा है। ताजा मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र का है जहां हाजीपुर से पटना में शराब की डिलीवरी होनी थी लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने 2 क्रेटा गाड़ी के साथ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप जब्त किया है, साथ ही 5 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि गाड़ी में प्रेस का स्टिकर लगाकर तस्करी की जा रही थी। बोकारो पुलिस ने आईटीआईटी मोड़ के पास वाहन में बैठकर हत्या की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि ये गैंग सिर्फ अपराध को ही अंजाम नहीं देता बल्कि हथियार की सप्लाई भी करता है। मामले में डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से कई हथियार, 24 जिंदा कारतूस सहित 5 खोखा बरामद किया गया है। कर्मियों में रोशन ठाकुर, सूरज यादव, अमित कुमार और रजनीश राज हैं। इनके निशानदेही पर एक और व्यक्ति जिसका नाम है रिंकेश विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यतः इसमें रोशन ठाकुर जो है वो डब्लू सिंह गिरोह का आदमी है और इसके द्वारा रामगढ़ के एक स्क्रैप व्यवसायी की हत्या की योजना बनाई जा रही थी और इसी घटनाक्रम में इनके पास से 7.65 mm का 2 अवैध पिस्टल, 0.32 mm का 1 अवैध पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, 5 मिसफायर कारतूस, मैगजीन 4, गुप्ती 1 और एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया। बेगूसराय चौड़ाही ओपी थाना क्षेत्र के पताही गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में लाठी, डंडा और रॉड भी जमकर चला। घटना में सावंत पैक्स अध्यक्ष समेत 2 पक्षों से तकरीबन आधे दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। विवाद चल रहा है 8-10 साल से, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिग्री जीत चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। काफ़ी बार ऊपर से प्रेशर आया, प्रशासन के बताया उन्हें कि उनका जमीन है, डिग्री हो चुका है, तो आप जमीन छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग दबंगगिरी करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कल मट्टी गिरा दिया, तो हम लोग प्रशासन को कॉल किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, मट्टी गिरा दिया गया। फिर आज प्रशासन गए औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक इंजीनियर की मौत हो गई तो वहीं सुपरवाइजर गंभीर रूप से जख्मी है। बता दें कि दोनों कर्मी काम करके घर वापस लौट रहे थे, इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और इंजीनियर ट्रैक की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार में शराबबंदी एवं मद्य निषेध अधिनियम उल्लंघन मामले में बछवाड़ा थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से जब्त किए गए देसी और विदेशी शराब को थाना परिसर में नष्ट किया गया है। नष्ट शराब मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक अजय शंकर सहाय ने बताया कि विगत दिनों बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 11 मामलों में जब्त किए गए 1422 लीटर विदेशी शराब और 193 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया है। मौके पर अंचलाधिकारी नेहा कुमारी, थाना अध्यक्ष अजीत कुमार, एसआई अरविंद कुमार सुमन समेत तमाम पुलिस दल बल के साथ मौजूद रहे। गया आरपीएफ के पुलिस ने गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हटिया एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 22 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को रंगे हाथों दबोचा है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया गया कि जब्त गांजे को संबल से पटना लेकर आना था लेकिन रास्ते में ही उसे जब्त कर लिया गया। यहां
थाने पे जैसा कि यहाँ हमेशा किया जाता है उसमें आपराधिक तत्वों की छानबीन के लिए जांच हो रहा था। जांच के दौरान उस गाड़ी के एवन कोच के बर्थ संख्या एक पर एक यात्री बैठे हुए तो उनके सीट के नीचे तीन बैग रखे हुए थे। उस बैग के स्वामित्व के संबंध में पूछने पर वो थोड़ा घबरा गया, जिससे शंका होने पर उसकी तलाशी ली गई गजिस्ट्रेड अधिकारी के समक्ष, तो उसमें गांजा रखा। गुमला के लोहेंगा बाजार में दो वाहनों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक वाहन के चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि टक्कर के बाद दूसरे वाहन का चालक और खलासी मौके से फरार हो गया है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो गुमला की ये पूरी खबर है, जहां दो ट्रकों में भीषण टक्कर हुई है, दो निजी वाहनों में ये भीषण टक्कर हुई है, जिसमें चालक की मौत हो गई है। साथ ही साथ जो दूसरे वाहन के चालक और खलासी थे वो मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाशी पुलिस कर रही है। झरिया के जोड़ा पोकर थाना क्षेत्र के आद्रा डिवीजन में भागा रेलवे फाटक के पास वर्षों बाद 24 मार्च 2021 को ओवरब्रिज बनने से लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन लगभग 4 महीने से इस ओवरब्रिज का काम बंद होने से लोगों में अब आक्रोश दिख रहा है। स्थानीय लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि जब तक ओवरब्रिज का काम बंद रहेगा तब तक मुख्य सड़क पर आवाजाही को शुरू किया जाए। तो झरिया की ये खबर है, जहां पर ओवरब्रिज का काम ठप पड़ा है, जिसकी वजह से रास्ता भी बंद है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि जब तक ओवरब्रिज ना बनाया जाए तब तक उस रास्ते से आवागमन वापस से शुरू किया जाए, क्योंकि आवागमन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो झरिया की यह खबर है, जहां पर ब्रिज नहीं बन पाया और ब्रिज का काम जब बंद हुआ है तो लोगों में नाराजगी है और आवागमन बाधित हो रहा है। साथ ही साथ उनकी मांग है कि आवागमन को वापस से सुचारू रूप से चलाने के लिए जब तक ओवर ब्रिज नहीं बन रहा तब तक के लिए उस रास्ते को पूर्ण रूप से चालू किया जाए, कि लोगों को जाने आने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो झरिया की यह खबर है, जहां पर रास्ते के आवागमन बंद होने से यहां पर परेशानी की स्थिति पैदा हो गई है आवागमन के लिए लोगों को। यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा था, जो रेलवे के द्वारा पूर्व में मतलब यहाँ के आम जनता से पूर्व से मांग किया था कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे रेलवे ब्रिज बने, जो कि आज मार्च में इसका घोषणा हुआ था कि ओवर ब्रिज बनेगा। मार्च से काम होली के पहले से यहाँ बैरिगेटिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक माडा का पाइपलाइन का हवाला देकर कि जमीन के नीचे माडा का पाइपलाइन है उसे हटाए माडा, इसके बाद यहाँ ओवर ब्रिज। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव रमेश पांडे को बनाया गया है, जिसके बाद धनबाद के विभिन्न जगहों पर रमेश पांडे का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर भी ऑटो संघ के द्वारा पटाखे छोड़े गए, साथ ही फूल मालाओं से प्रदेश महासचिव का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रमेश पांडे ने सरयू राय और केंद्रीय समिति का धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी झारखंड में बेहतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो धनबाद में भव्य स्वागत किया गया रमेश पांडे, जो अब बीजेम के प्रदेश महासचिव बने, नए महाप्रदेश सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश महासचिव बनने के बाद उनका धनबाद के रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया है पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, पार्टी नेताओं ने उनका फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया है। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हम पार्टी के मुखिया हैं माननीय सरजू राय जी और हमारे केंद्र अध्यक्ष जी, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और भरोसा पे कायम रखने के लिए प्रयास करूंगा कि भरोसा पे कायम रहूं और जनहित में कार्य करूं। और यहां पे जो भी भाई बंधु जो भी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह अपना प्यार कुलांचल में देते रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले जैसा टीवी भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है
कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि मास्क सैनिटाइजर एक विकल्प है, एकमात्र विकल्प है जो आपको कोरोना के इस खतरनाक संक्रमण से बचने में सहयोग करेगा। तो इसलिए लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। लॉकडाउन हटाया गया है लेकिन कोरोना नहीं हटा है, तो अपने आप को स्वस्थ रखें, गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार। चीजों पे संयम रखा और इन चीजों का काम किया, तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। टीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन, भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं, अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार, संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल, बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन, हम सभी परेशान हैं कोरोना से, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सभी मिलकर अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी कई ढेर सारे अपने हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क पहने, लोगों से दूरी बनाकर रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। टीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन, भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं, अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार, संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल, बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। हम सभी परेशान हैं कोरोना से, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सभी मिलकर अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी कई ढेर सारे अपने हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क पहने, लोगों से दूरी बनाकर रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। टीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन, भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं, अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार, संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल, बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। अगर कोई भी चीज मेरे नाम से अगर उसने चैनल को या मेरे न्यूज बनाया, तो मैं पूरे खानदान को बाट लगा सकता हूं।
मैं वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। सिर्फ प्रोग्राम ही हैंग नहीं करता, प्रोग्राम बनाने वाले को ही हैंग किल डेथ कर देता हूँ।